नमस्कार मार्केट संवाद में आपका स्वागत है इस समय हम झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं और यह जो इलाका आप देख रहे हैं यह मध्य प्रदेश का निवाड़ी इलाका है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का कार्य बहुत तेजी से जारी है हालांकि अभी इस मार्ग पर कई जगह निर्माण की प्रक्रिया जारी होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है निर्माण की प्रक्रिया बेहद धीमी है इसको लेकर कांग्रेस के नेता सुनील तिवारी ने बीते दिनों एक ज्ञापन भी दिया था उन्होंने मांग की कि इस राजमार्ग का निर्माण तेजी से कराया जा सके ताकि यहाँ के बंगरा सकरार और अन्य गांवों को इस राजमार्ग से जोड़ा जा सके आप देख सकते हैं कि राजमार्ग पर निर्माण का कार्य किस तेजी से चल रहा है हालांकि इस निर्माण की प्रक्रिया को लेकर भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत ने आवाज उठाई है और उन्होंने मांग की है कि इस राजमार्ग के बनने में सड़क के दोनों ओर के हरे भरे पेड़ों को जिस तरह से काटा गया है उसकी अधिक संख्या में यहां पर पौधारोपण किया जाए उनका कहना है कि हम जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का काम करते हैं वहीं इस राजमार्ग के बनने से लाखों पौधों को नष्ट किया गया है हालांकि राजमार्ग पर अभी कई जगह कच्ची और पथरीली जगह है जिससे राहगीरों को और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आप देखते देख सकते हैं कि कई जगह पर अभी सड़क कच्ची है और इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है कई जगह पुल और पुलियों का निर्माण होना बाकी है सड़क के दोनों ओर धूल भरी रास्ता होने से आसपास के गांव के लोग काफ़ी परेशान होते हैं देख सकते हैं आप ये पुल का निर्माण होना बाकी है इसके अलावा यहाँ के लोगों को भी इस गंदगी और धूल भरी समस्या से दो चार होना पड़ता पड़ता है हालाँकि राजमार्ग बनने से यहाँ काफ़ी लाभ होगा और लोग इसका बनने का इंतज़ार कर रहे हैं फिलहाल यह सफर आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं मार्केट संवाद की रिपोर्ट